सीएम योगी का गोरखपुर सिद्धार्थ नगर लखनऊ दौरा, गोरखपुर गोरक्षपीठ में जनता दर्शन कार्यक्रम। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज, कांग्रेस में संकट के बीच ये बैठक, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में दोनों 35 पैसे हुए महंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका, सीआरपीएफ के 6 जवान घायल। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई जगह पर कार्यक्रम है। सीएम योगी आज गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और लखनऊ जाएंगे। आज गोरखपुर से सिद्धार्थनगर जाएंगे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर में पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे। बता दें कि 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है, वही इस कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां भी हो रही है। बता दें कि गोरखपुर में जनता दरबार के बाद सिद्धार्थनगर जाएंगे सीएम योगी और सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद लखनऊ रवाना होंगे। तो आज कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। गोरखपुर जाएंगे, सिद्धार्थनगर जाएंगे, उसके बाद फिर लखनऊ भी वापस आएंगे। गोरखपुर में गोरखपीठ में जनता कार्यक्रम है, यानी कि जनता दरबार लगेगा, जहां पे जनता की परेशानियों को सुनेंगे। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर जाएंगे सीएम योगी। सिद्धार्थनगर में पीएम के आगमन के चलते जो भी तैयारियां की जा रही है, उसका खुद जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है, वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। गोरखपुर में जनता दरबार के बाद सिद्धार्थनगर ही जाएंगे सीएम योगी और वहां निरीक्षण के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के आगमन के चलते ये दौरा, ये समीक्षा करनी भी जरूरी है। और जिस तरह से सारे कार्यक्रम सुनिश्चित है सीएम योगी के, पीएम मोदी के आगमन की तैयारी हो या फिर जो चुनावी बैठकें हो, तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी के दौरे लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई जगह पर कार्यक्रम भी है। सीएम योगी आज गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और लखनऊ जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से सीएम योगी के आज 3 जगह के कार्यक्रम हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या क्या कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आएंगे सीएम योगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, वहां समीक्षा अधिकारी की साथ बैठक भी चल रही है, समीक्षा भी कर रहे हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़ी हों, चाहे वो राज्य सरकार से जुड़ी हों, उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है। अभी 3 दिन लगातार मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहे, वहाँ पर जो वहाँ का कार्यक्रम होता है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखपीठ के जो है गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, तो इसके साथ ही उनको वहाँ पूजा भी की है, हवन भी किया, हवन के बाद फिर कन्या भोज भी उनके द्वारा कराया गया। तो अब आज सुबह उनके द्वारा जो जनता दर्शन दरबार है वो भी लगाया गया था, उसको लगाने के बाद अब मुख्यमंत्री लगभग 2:45 बजे के लगभग सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। और सिद्धार्थनगर पहुंचने के बाद मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 20 अक्टूबर का सिद्धार्थनगर दौरा प्रस्तावित है, जहां पर मेडिकल कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम होना है, वहां पर वो जाएंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। जी, 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर आ रहे हैं, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सीएम योगी आज खुद निरीक्षण करने भी जा रहे हैं, तो सुरक्षा के इंतजामों को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 20 से 25 अक्टूबर तक, हालांकि मैं 25 अक्टूबर बताऊं, 25 अक्टूबर का प्रधानमंत्री जी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, 20 तारीख को सिद्धार्थनगर आएंगे, कुशीनगर भी उनका जाने का है, तो कई कार्यक्रम उनके इस दौरे में रहेंगे, तो उसके लिए तैयारियों को जायजा भी लेंगे और देखेंगे क्या तैयारियाँ वहाँ की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर लगभग आधे घंटे की उनकी जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी होगी, वहाँ पर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। उसके साथ भी जो वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं भाजपा के, उनको उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए एक बैठक भी की जाएगी और तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारी चल रही है। जी गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए कितने बजे रवाना होंगे?
लखनऊ के लिए माना जा सकता है कि लगभग लगभग 4:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग है उनकी, और मीडिया ब्रीफिंग करने के बाद, मीडिया से मुखातिब होने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए आएंगे। लगभग 5:30 बजे वो सिद्धार्थनगर से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी गौरव, क्या लगता है कि मीडिया से बातचीत में किस चीज के ऊपर, किस बात को उठा सकते हैं, किस मुद्दे को लेके मीडिया से बात कर सकते हैं सीएम योगी, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव पास आ रहा है और सरकार के लगभग 4.5 साल पूरे भी हो चुके हैं। पुस्तिका भी जारी की गई थी और मंत्री द्वारा भी अलग अलग जगह जाकर पत्र के माध्यम से अपने सरकार का लेखा जोखा पेश किया गया था। तो माना जाता है कि मीडिया के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, पदाधिकारी के साथ जो बैठक है उसकी जानकारी भी देंगे, क्या आगे जाके और कौन कौन सी योजनाएं भविष्य में लाई जा सकती हैं उसकी जानकारी भी देते नजर आएंगे, और जो लेखा जोखा है 4.5 साल का उसको मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखेंगे भी। ये फिलहाल उनकी योजना रहेगी। गौरव, जिस तरह से त्योहारों का सीजन है, कोरोना काल भी है, तो क्या जनता को कोई संदेश भी दे सकते हैं सीएम योगी? बिल्कुल, जिस तरह से टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, उनकी जो पहले टीम 11 थी, फिर टीम 9 थी, वो आज भी काम कर रही है, आज भी कोविड संबंधी जो नीतियां हैं उसको जो समीक्षा कर रही है, क्या क्या बेहतर हो सकता है, समय समय पर गाइडलाइंस भी परिवर्तन होती रहती है, नई बढ़ाई जाती है और नई लगाई जाती है। तो कोविड को देखते, हालांकि अभी तक जो कोविड की मैं आपको बताऊँ तो लगभग लगभग 42 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो कि कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। कुछ जिले हैं जहां पर एक या दो मरीज हैं, तो उनको भी देखे, उनको गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, कोरोना संक्रमण फैल ना पाए, त्योहारी सीजन है उसको लेकर जो भविष्य में और गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं, तो तमाम चीजें वो देखेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही, जब से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने सर उठाया था, काफी संख्या में जहां पर जाने मृत्यु हुई थी, जाने गई थी, तो माना सकता है उस समय से सक्रिय रहे, आज भी कोविड संबंधी नीतियों को लेकर वो आज भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं और सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के आगमन को ये चलते जो समीक्षा, जो तैयारियां चल रही है उसकी समीक्षा करने के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगरा के जगनेर के भवनपुरा गांव में मातम का माहौल है। विजयदशमी के दिन जगनेर के भवनपुरा गांव में लोग माता दुर्गा के मूर्ति को विसर्जित करने राजस्थान के बसेड़ी गए थे, जहां वो नदी में मूर्ति विसर्जित करते वक्त डूब गए और 5 युवकों की जान चली गई। मरने वालों में 2 युवक सगे भाई थे जबकि 3 उनके पड़ोसी शामिल है। तो दशहरे के दिन ये दुखद घटना सामने आई है, मातम का माहौल देखने को मिला। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नदी में मूर्ति विसर्जन करते वक्त डूब गए युवक, 5 युवकों की जान चली गई। मरने वालों में 2 युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं जबकि 3 पड़ोसी बताए जा रहे हैं। वही अगली खबर फतेहपुर से है, जो जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र के सुजहरी गांव में 3 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बता दें कि सेब के बहाने मासूम को दुष्कर्म हत्यारे ने अपने किराए के कमरे में बुलाया था, जिसके बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं मासूम के परिजन दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में व्यस्त थे। घटना के बाद जब परिजनों ने बच्ची की तलाश की तो बच्ची कमरे में खून से लथपथ मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आक्रोशित परिजन दुष्कर्मी हत्यारे की फांसी की मांग कर रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर भेज करके दर्ज इकट्ठा कर लिया गया है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पुलिस के द्वारा भी संबंध। किसान चौपाल के माध्यम से किसानों और जनता को जागरूक करने और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा भाजपा कार्यकर्ता अविनाश शुक्ला ने तेनुहवा चौराहे पर लोगों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश शुक्ला ने कहा कि सरकार जिस तरह से लोगों के लिए योजनाएं चलाकर उसका लाभ दे रही है, ऐसा पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सरकार एक तरफा कार्य नहीं कर रही है, सभी धर्मों और जातियों के लिए सरकार समान रूप से कार्य कर रही है।
तो सिद्धार्थ नगर से ये खबर सामने आई है, जहां अविनाश शुक्ला ने लोगों के साथ बैठक की और सरकार के काम की सराहना की है। किसान चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को सरकारी लाभ और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जानकारी देने के ही लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा भाजपा कार्यकर्ता अविनाश शुक्ला ने तेनू हवा चौराहे पर लोगों के साथ बैठक की। और बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश शुक्ला ने कहा कि सरकार जिस तरह से लोगों के लिए योजनाएं चलाकर उसका लाभ दे रही है, ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। चौपाल का विशेष उद्देश्य ये है कि सरकार की जो लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, जो सारी योजनाएं सरकार चला रही है, जो लोगों का अनर्गल प्रलाप हो रहा है, लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, उसको उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए इस ग्राम किसान चौपाल का व्यवस्था बनाया गया है। इस तरह का चौपाल हम लोग पूरे ज़िले में लगाएंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य। सुल्तानपुर में बीती रात विश्व हिंदू परिषद के ठेकेदार पर जानलेवा हमला हुआ। मामला नगर कोतवाली के डाकखाने चौराहे का है। इस घटना में विहिप जिलाध्यक्ष समेत दो लोग घायल हुए हैं। हमला करने वाले नगर पालिका के दबंग ठेकेदार बताए जा रहे हैं, फिलहाल जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टर लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी है। आपको बता दें कि घटना स्थल चौराहे पर पंचमुखी हनुमान मंदिर का है, जहां भी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव उर्फ बिल्लू अपने साथियों के साथ चौराहे पर बैठे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान नगर पालिका के दबंग ठेकेदार अजय सिंह और निर्भय सिंह अपने साथियों के साथ असलहा लाठी डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे और उन पर हमला बोल दिया। इस घटना विहिप जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, बिल्लू और पंचमुखी मंदिर के पुजारी का बेटा अमरनाथ शुक्ला घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। अवगत कराना है कि पोस्ट ऑफिस चौराहे पर आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला कि कुछ लोगों से पोस्टर लगाने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें इन लोग आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला को चोटें आई हैं। अजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। झांसी में मनौती पूरी होने पर जवारे विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालु से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। चरगांव थाना क्षेत्र स्थित छिरौना के पास भैंस सामने आने से खंडक में भरे पानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस दुर्घटना में पानी में डूबने और ट्रॉली के नीचे दबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। तो झांसी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मनौती पूरी होने के बाद जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग और झांसी में यह दर्दनाक हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि चिरगांव थाना क्षेत्र स्थित छिरौना के पास का ये मामला है, जहां भैंस सामने आने की वजह से खंडक में भरे पानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस दुर्घटना में पानी में डूबने और ट्रॉली के नीचे दबने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। तो ये दर्दनाक हादसे में बताया जा रहा है कि 7 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत भी हुई है। विजयदशमी पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर में मनाया गया। विभिन्न जगह पर रावण का पुतला दहन किया गया। वहीं हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फतेहपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ, किस तरह से भव्य समारोह के साथ रावण दहन किया गया है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। धूमधाम के साथ पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया गया है। वहीं लखनऊ की तस्वीरें भी देख सकते हैं, आतिशबाजी के साथ तो कहीं लाइट से सजा रावण दिखा। लोगों ने इस त्योहार का लुत्फ उठाया, अपने अंदर के बसे रावण को जलाने की कोशिश की इस पुतले के माध्यम से। तो बड़ी संख्या में लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुंचे और विजयदशमी का उत्सव मनाया।
तो फतेहपुर, मुरादाबाद, शाजापुर, लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से रावण दहन किया गया और लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो हम आपसे लखनऊ के बारे में जानना चाहेंगे कि लखनऊ में किस तरह से विजयदशमी का त्योहार मनाया गया और रावण दहन किया गया। जी, आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के चलते कहीं पर भी रामलीला और दशहरे का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार जो है कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रावण दहन की प्रक्रिया की गई है और दशहरे को मनाया गया है। अगर बात की जाए तो जो बड़े मेले का आयोजन होता था पहले, वो मेले का आयोजन नहीं हो चुका है और जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में जमा होती थी, वहाँ पे लिमिटेड लोग ही पहुँच के जो है दशहरा में जो है शामिल हो पाए हैं। बाकी जो है वर्चुअली लोगों ने सम्मिलित हुए हैं और ऑनलाइन जो है लोगों ने रामलीला का जो है आयोजन किया गया और ऑनलाइन ही जो है रामलीला जो है लोगों को दिखाई गई। जी अश्विनी, क्या पहले के मुकाबले उतने ही रावण जलाए गए या इसमें भी कुछ कमी आई है कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से? जो है रावण दहन की प्रक्रिया को जो है परमिशन दे दी गई थी। रावण दहन का जो है कार्यक्रम तो जहाँ जहाँ सुनिश्चित हुआ था वहाँ वहाँ हुआ है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो भीड़ इकट्ठी होती थी उसको जो है बहुत ही कम कर दिया गया और जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं और जो है दशहरे में शामिल हुए हैं और बहुत ही लिमिटेड लोग पहुँच पाए हैं वहाँ पे। बाकी सारा जो भी है वो उसको ऑनलाइन जो है टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह के रावण बने इस बार जलाने के लिए, लेकिन इन सब में खासियत क्या रही, क्या कुछ अलग देखने को मिला? हर बार की तरीके से जो है इस बार भी दशहरे को मनाया गया, लेकिन से अभी आने वाली संभावित तीसरी लहर को लेकर के एक लोगों के अंदर खौफ भी है, तो उसको लेकर के कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो है दशहरे का त्यौहार मनाया। लोगों के अंदर उत्साह था, लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन जो है कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में जो है विजयदशमी के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। जी अश्विनी, सुरक्षा के इंतजाम कैसे देखने को मिले, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो मास्क का उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग क्या हो पाई, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? सर, जिला प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तैयारियां कर ली गई थी इसको लेकर के कि कहीं भी मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो पाए, इसको लेकर के स्थानीय पुलिस भी जो है पहले से तैनात थी और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था कि लोग कम से कम पहुंचे, ऑनलाइन जो है इस रामलीला में सम्मिलित हो और जो है रावण दहन या जो रामलीला है और उसको देखे तो, और लोग जो थे उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया गया और टीवी के माध्यम से भी लोगों को पहले से जागरूक किया जा रहा था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जी अश्विनी, जिस तरह से रावण दहन देखा गया है उससे पहले काफी ज्यादा पटाखे भी जलाए जाते हैं, अब त्योहारों का सीजन है जैसे कि दिवाली आ रही है और ठंड भी आ रही है, तो पॉल्यूशन को लेके भी आवाज उठने लगी है, तो क्या कुछ फर्क देखने को मिला है रावण दहन के बाद? जब होता है अगर पटाखों की बात की जाए तो इको ग्रीन जो पटाखे हैं वो जो है प्रयोग में लाए गए हैं, प्रदूषण को देखते हुए इको ग्रीन पटाखों जो है यूज में लाया गया है और जो है प्रशासन के द्वारा भी लगातार लोगों से यही अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इको ग्रीन पटाखों का जो है यूज करें जिससे जो है प्रदूषण ना फैल सके ज्यादा, क्योंकि प्रदूषण के द्वारा भी कई तरह की समस्याएं सामने आती है। रावण दहन के दौरान इको ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया गया? जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़े थे। तो तमाम जगह की तस्वीरें सामने आई है, फतेहपुर, मुरादाबाद, शाजापुर, लखनऊ, दिल्ली, तमाम जगह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर यह देखा गया है कि भव्य तरीके से विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।